सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सभी, होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो भैया अभी अपन आए इंदौर के एक थीम बेस्ड कैफे पे। यहाँ की जो थीम है बिल्कुल जेल वाली है। यहाँ पे जो खाना देने का बैठने का तरीका है वो पूरा भैया जेल में जैसे कैदियों को बांध के रखते हैं उस टाइप के कैद करके आपको खाना खिलाएंगे। और लोकेशन की बात किया तो भैया इधर ये नौलखा चौराहा है, ये BITS, इसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा जेल कैफे। बढ़िया सा एम्बियंस है, आपको बाहर से देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ की बढ़िया लगी भैया, मज़ा ना आए तो थाने में रिपोर्ट लिखवा देना, ये बढ़िया लगा मुझे। तो फटाफट अभी अंदर रख लेता हूँ, आपको यहाँ का टेस्ट बताता हूँ और अंदर का एम्बियंस दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। भैया अंदर जैसे ही एंटर करते हो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कैफे में नहीं हो, ऐसा लगेगा आप जेल में आ गए हो, क्योंकि आपका जो एम्बियंस है वो पूरा लॉकर लॉकर वाला। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ भी पूरा लॉकर लॉकर बना रखे। ये देखिए, अगर यहाँ पे बैठ कर अगर आप खाते हो तो ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ से अंदर कर देंगे आपको लॉकअप में और यहाँ से वीडियो बैठ कर खाओ। अभी अंदर देखना, अगर कोई होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भैया अभी अपने को भैया ने लॉकअप में बंद कर गए हैं, इसको बाहर रखा है सिर्फ खाना सप्लाई करने के लिए, मुझे अंदर पैक कर दिया है। अभी मैं आपको अंदर बैठा हूँ तो थोड़ा फूड बता देता हूँ। यहाँ पे भैया ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है, यहाँ पर भी लिखा मज़ा ना आए तो थाने में रिपोर्ट लिखवा देना। ये भैया उधर साइडों मोहित भैया, वहाँ पे थाना, वहाँ पे आप रिपोर्ट लिखवा देना अगर आपको मज़ा नहीं आया तो कोर्ट में, ठीक है। ये देखो यहाँ का मेन्यू, कोल्ड कॉफ़ी भी अवेलेबल है यहाँ पे, फ्रेश शेक अवेलेबल है, मॉकटेल, मोजिटो और भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। आइस टी हो गया, बेवरेज में सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, इटालियन पिज़्ज़ा हो गया, गार्लिक हो गया, मैगी हो गई, लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं जो एक कैफ़े पर होनी चाहिए। तो भैया पाव भाजी भी अवेलेबल है, छोले कुलचे, पराठे, मोमोज और फिर कुछ इन्होंने कॉम्बोज कस्टमाइज़ किए हैं जो ये हैं 147 में। भैया अगर आप बर्थडे वर्थडे का प्लान कर रहे हो सेलिब्रेट का तो ये बढ़िया लोकेशन है, फोटो वोटो शूट के लिए भी बढ़िया जगह। यहाँ पे कोट बनाया रखा है, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स वगैरह रखे हैं, गन वन रखी हैं, इनके साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो, ठीक है। और अरे यार ये डंडे वगैरह भी रखे, मतलब सारी चीज़ें रखे रखी हैं इनने जो थाने में होनी चाहिए थी जेल में, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको सेलिब्रेट करना तो यहाँ पर भी साइड में बनाया है इन्होंने, ये पूरा हॉल है, या इसको बुक करके या जैसा भी वॉट एवर आपको जो भी लगे यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते। मैं यहाँ पे कैफ़े का आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा। भैया अभी अपना जेल वाला खाना आ चुका है, लेकिन जेल जैसा खाना नहीं है। अभी अपने को मॉकटेल में जामुन वाला मिल गया था फ्लेवर इधर, फिर उसके बाद अपने फुल लोडेड फ्राइज चीज़ के साथ, ये देखो भैया, और ये अपनी फेवरेट पाव भाजी और फ्राइज है। तो फटाफट इनको टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बता दें। भैया सबसे पहले अपन मोजिटो ट्राई करके देखते हैं और आपको बताते हैं कैसा। काफ़ी बढ़िया मोजिटो है। उसके बाद अभी अपन ट्राई करते हैं फुल लोडेड फ्राइड चीज के साथ। थोड़ी सी पाव भाजी ट्राई करके देख लेता हूँ। भैया यहाँ के टेस्ट की बात किया तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट है और एम्बियंस तो काफ़ी बढ़िया है ही, और जो इनकी थीम है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप इंदौर में रहते हो, अगर यहाँ पे नहीं आए हो तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, काफ़ी बढ़िया जगह, पॉकेट फ्रेंडली जगह और फैमिली के लिए बढ़िया जगह। बर्थडे अगर आप सेलिब्रेट करते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। अभी मैं जैसे ये कोर्ट पर बैठा हूँ, यहाँ पर भी बैठ कर केक कटिंग हो सकती है, साइड में हॉल बना है वहाँ पे भी आप केक कट कर सकते हो, ठीक है। सभी एज ग्रुप के लिए बढ़िया जगह, कपल्स हो गए या सिंगल हो गए, जिसके लिए जो भी आना चाहते हो आ जाइए। बात की अभी फ्रेंचाइजी वगैरह की, तो फ्रेंचाइजी अगर कोई लेना चाहता है भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। भैया अभी इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी देने में, ठीक है। भैया लगभग मैंने यहाँ की आपको सारी चीज़ें बता दी, अगर कुछ रह जाती है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। लाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंदौर की नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।